हेलो एवरीवन, तो आज मैं आपके सामने ले आई हूँ ये हेयर कटिंग वीडियो। और ये वीडियो है छोटी बच्ची का। और इनके बाल मतलब ब्लंड कट करने, एडवांस ब्लंड कट कैसे करें, और सामने से रसना कट और पीछे से ब्लंड कट, एडवांस ब्लंड कट बोलते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हो। लेकिन मैं इनके पास थोड़े थोड़े काटूंगी क्योंकि इनको ज़्यादा बड़े नहीं चाहिए। तो अभी मैं शुरुआत कर रही हूँ और मैं सबसे पहले मांग निकाल रही हूँ इनकी और पूरा मतलब अच्छे से सुलझा रही हूँ इनके बाल। और बाल सुलझाने के बाद है ना, मैं ईयर टू ईयर थोड़ा सा पार्टीशन करूँगी, क्योंकि पहले मैं इनका थोड़ा सा लेयर कर दे दी थी। उनको पसंद था लेयर, मतलब ब्लंट में थोड़ा सा लेयर लेने देते हैं, वैसे तो वो अच्छा बाउंसी भी दिखता है और अच्छे। और ये अब शुरुआत कर रहे हैं पीछे से, थोड़ा जितके मतलब थोड़े थोड़े, पहले तो शुरुआत से थोड़े थोड़े काटना चाहिए। देखिए मैं पीछे से और उसी से लेयर ले 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 के थोड़ी थोड़ी ऐसे काट रही हूँ। और फिर है ना कान तक ऐसे काटते रहिए और जितना बस लेंथ मिलाते जाइए थोड़ी थोड़ी, और गाइडलाइन ले लेके अपन काटना चाहिए। देखिए मैं कैसे कर रही, थोड़ी थोड़ी जितनी गाइडलाइन है उसी से, और ईयर तक ये करना चाहिए। फिर इधर मैं इधर ईयर के पास आ गई हूँ। और ईयर बच्चे छोटे बच्चे को कैंची नहीं लगने, इसका ध्यान जरूर रखना चाहिए गाइस। तो अभी इधर का थोड़ा सा लेके मैं वो जो ईयर टू ईयर किया था उसमें वो मिला रही हूँ। वो देखिए बिल्कुल सेम, छोटे बड़े नहीं होना चाहिए और बार बार कंघे से चेक करना चाहिए। उसके बाद मैं इस साइड में आई हूँ और इस साइड भी मैं ईयर से ही चालू कर रही हूँ। देखिए और जितना मतलब अपन को अनइवन बाल दिखते हैं उतने ही अपन काटने चाहिए। देखिए मैं भी वैसे ही कर रही हूँ, अनइवन बाल निकाल दे रही हूँ। बस मैं तो इनका ट्रिमिंग करके, क्योंकि इनके बढ़ गए थे, मैं हर महीने मैं इनके बाल काटती हूँ गाइज। मैं पता नहीं इनकी जल्दी बढ़ जाती है, तो मैं बस इनको ये कर रही थी, ट्रिमिंग दे रही थी बस। और उसके बाद मैं आ गई हूँ आगे, और आगे मैं इनका लुक, पिछली बार तो थोड़ा सा रसना लेयर दिया था, तो मैं अभी उनका रसना कट, आप रसना कट बोल सकते हो, साधना कट बोल सकते हो। तो ये मैं उनके आईब्रो तक काट, गाइस ज़्यादा नहीं काटनी चाहिए, जितने बस लेंथ है ना ईयर से, तो उतनी ज़्यादा लेंथ कम नहीं करनी चाहिए। तो ये मैं अब बराबर देख रहा हूँ, और यहाँ से मैं थोड़ा सा और ये कर रही हूँ, क्योंकि इनके चेहरे पे यही अच्छे लगता है। बच्चों के जैसे चेहरा, इनका छोटा है तो थोड़ा भरा दिखने के लिए ये देखिए, और बिल्कुल छोटा छोटा थोड़ा 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 पार्ट लेना चाहिए। और बच्चों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को कैची नहीं लगनी चाहिए। गाइस मेरे वीडियो को आप प्लीज़ लाइक कीजिए, देखते और ऐसे रह जाते व्यूज़। मैं इतने वीडियो मेहनत से बनाती हूँ, आप प्लीज़ लाइक कीजिए। और उसके बाद है ना, ये जो बाल, आधे बाल उठा के उनको या क्लेचर से या इससे आप बांध दीजिए। उसके बाद नीचे से के जो बाल है उनके बराबर सेप दे, मतलब सेप दे दीजिए। तो मैं वैसे ही कर रही हूँ, और जो आधे बाल उठा रही हूँ और आधे से नीचे बाल को मैं थोड़ा सा ट्रिमिंग करूँगी, ताकि छोटे बड़े बाल रहे नहीं। और ये देखिए मैं काट रही हूँ बराबर, ये तो मैं आप धीरे धीरे, ये मैंने थोड़ी स्पीड बढ़ा दी है, तो ये मैं देखिए बराबर जैसे नेक तक लाना जरूरी है। और बच्चों के, छोटे बच्चों के मुंडी हिलाती रहते हैं, तो नेक कैंची का ध्यान रखिए कि कहीं मतलब लगना नहीं चाहिए। और ये तो बहुत चुलबुली पड़ी, ये बिल्कुल खड़ी, अब अगर आपसे बैठते नहीं बनता है तो खड़े होके बच्चों को ये कर दीजिए, काट दीजिए। उसके बाद कान के पास तो बिल्कुल ही ध्यान दीजिए आप, तो बिल्कुल मतलब कैंची लगनी नहीं चाहिए, बच्चों को चुभनी चाहिए, देखिए बिल्कुल। और थोड़ा टेढ़ी कैंची लेके ऐसे ऊपर से ऐसे नीचे लेके काट दीजिए, और बराबर अनइवन मतलब दोनों तरफ से एक जैसा ही है। और उसके बाद वो जो अपन ने जो बांधे थे वो नीचे छोड़ दिए। और उसके बाद मैं और उनको देख रही हूँ, बार बार कंघी से चेक करना जरूर रहता है कि छोटे बड़े ने। उसके बाद और मैं ट्रिमिंग कर रही हूँ, वो मिलाते जो नीचे बाल है ना ऊपर से लिए उनके साथ मैं गाइडलाइन के साथ उनको काट दे रही हूँ। और एक ब्लंट शेप जैसा कट आना, यू शेप जैसा, यू को ब्लंट शेप जैसा कट आना चाहिए, ये कर रहे हो। देखिए यहाँ पे भी कान के पास थोड़ा ध्यान देना चाहिए, और इससे क्या है बाउंसी भी आते हैं बालों को, और अच्छे भी, ये देखिए कितने बाउंस आ गए। और अब जो छोटे बड़े हैं मैं और चेक कर रही हूँ बार बार, और आगे के मैं इनको थोड़ा सा लेयर टाइप में नीचे के जो है ना, और बीच में दो कस्टमर आ गए थे उनको बिठा दिया है मैंने। और
और फिर उनको बिठा दिया है और फिर जल्दी जल्दी मैं इनके बाल काट रही हूँ। और देखिए ये ईयर टू ईयर में थोड़ा सा इनको पहले भी लेयर दिया था तो थोड़ा लेयर टाइप दो तो थोड़ा बाउंसी भी लगता है और अच्छा लगता है। देखिए आगे थोड़ा मॉडलिंग टाइप का लुक दिखता है। तो ये देखिए मैंने वो लेयर कट और कैसा बना आप बताना जरूर गाइस और लाइक कीजिए प्लीज़। वो देखिए और इसके बाद टेढ़ी कैंची लेके थोड़ा ऊपर से नीचे काट दे दो। और उसके बाद और मैं सामने से चेक कर रही हूँ कि कहीं छोटे बड़े तो नहीं, बस वो आईब्रो तक ही, ज़्यादा छोटे करना भी गलत बात है। आईब्रो और फिर ये फाइनल लुक हो गया है और आपको ये देख लीजिए इनका फाइनल लुक। और मेरे वीडियो को गाइज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट।